वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सांसद सुब्रत पाठक ने स्वामी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा, बयान के पीछे सोनिया गांधी और अखिलेश जैसे लोग हैं, ये कहना है सुब्रत पाठक का। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हिंदुत्व का अपमान, अखिलेश यादव पर दर्ज हो FIR, ये मांग सुब्रत पाठक ने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर अपमानित प्रतिक्रिया की गई है। मैं तो इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा, स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। कोई हिंदुओं को समाप्त करने की बात करता है तो कोई रामचरितमानस को जलवाता है, लेकिन अब यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति के वोट बैंक के चलते जो लगातार जो हिंदुत्व का जो अपमान अब और सहा नहीं जा सकता या सहनीय है, और जिस प्रकार से आज फिर यह बात कही गई है, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर एक FIR करें, FIR करके ही और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएं। साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी यह मांग कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए। वहीं हिन्दू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर